भारत के अंदर हर इंसान प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करना चाहता है। ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, सबकी इसके बारे में अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार देश बेचने में लगी हुई है, वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम अच्छा होगा। तो आखिर इन दोनों में किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, या फिर इन दोनों के पीछे का पर्सपेक्टिव समझा जा सकता है, कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे आज अपने इस वीडियो में, जहां पर जानेंगे कि आखिर सरकार प्राइवेटाइजेशन को लेकर इतनी ज़्यादा उतावली क्यों है, अभी तक हम कैसे सरकार चलाते आए थे पिछले कई सालों में, और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। अब यहां पर दो पर्सपेक्टिव बनते हैं। अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो लेफ्ट और राइट का पर्सपेक्टिव आप यहां पर समझ सकते हैं। लेफ्ट का पर्सपेक्टिव या सोशलिज्म का पर्सपेक्टिव ये कहता है कि प्रो पुअर इकॉनमी होनी चाहिए, सारी पॉलिसीज प्रो पुअर पॉलिसीज होनी चाहिए, जो पैसा है, जो सरकार के पास धन है, वो गरीबों में एज ए सब्सिडी बांटा जाना चाहिए, और सब जो टोटल पैसा है देश के अंदर उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, और धीरे धीरे यही रास्ता कम्युनिज्म की तरफ होकर जाता है। और ये रास्ता ये कहा जाता है कि भाई इस रास्ते में सारा कुछ स्टेट ओन्ड होगा, सब कुछ स्टेट ओन करेगा, सारा कुछ गवर्नमेंट ही चलाएगी और उसी के कंट्रोल में सारी इंडस्ट्रीज, सारी चीज़ें होनी चाहिए। वहीं एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसे आप राइट विंग का पर्सपेक्टिव मान सकते हैं या जिसे आप कैपिटलिस्टिक व्यू पॉइंट समझ सकते हैं। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि देखिए सरकार का इंटरफेरेंस खासकर जो बिजनेस के मामले में है वो बिल्कुल कम से कम हो, सरकार खुद तो कोई बिजनेस चलाए भी ना, और जो लोग चलाते हैं उनमें भी इंटरफेयर ना करे, एक रेफरी की तरह रहे कि भाई कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको लागू करती रहे, मगर ये सब्सिडी वब्सिडी वाली जो बातचीत है वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दो व्यू पॉइंट हैं। अगर आप प्योरली देखें तो ये दोनों ही इम्पॉसिबल हैं, और किसी भी देश में प्योरली ये दोनों ही अभी तक एप्लीकेबल नहीं देखे जा सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक 90% 80% ये चीज़ें कुछ देशों ने अचीव करी हैं, मगर 100% ये करने के बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। जहाँ कैपिटलिस्टिक व्यू पॉइंट में आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा गरीब और अमीर के बीच में, क्लास डिवाइड बना रहेगा, और भी तमाम सारे की समस्याएं आ सकती हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। वहीं अगर आप सोशलिस्टिक व्यू पॉइंट देखें जो कि आपको धीरे धीरे कम्युनिज्म की तरफ लेकर जाता है, वहां की अपनी अपनी समस्याएं हैं, कई जगह इकॉनमी डूब सकती है या फिर आप किसी तानाशाह को क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इसीलिए हमेशा इन दोनों के बीच का रास्ता ही सरकारें चुनती हैं, और ज़्यादातर देशों ने भी इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच के रास्ते को ही अपनाया है। अब अगर आप बात भारत की करें तो यहाँ पर आपको बहुत पीछे नहीं ले जाऊँगा, इकॉनमी की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी तक ही चलते हैं। नाम से पता है एक कंपनी थी जो कि बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव थी और पूरे विश्व में विस्तार करना चाहती थी। भारत में भी जब आई तो उसने अपनी विस्तारवादी नीतियाँ लगाईं, जाहिर सी बात है कैपिटलिस्टिक मॉडल था उनका, और उन्होंने किसी की भलाई की चिंता नहीं करी, उन्होंने अपना फ़ायदा देखा और जितना ज़्यादा वो दमन कर सकते थे उतना उन्होंने दमन करा। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने की बात चली तो ऑब्वियस सी बात थी कि जो इसके ऑपोजिट में खड़े होने वाले लोग थे वो सोशलिज्म अपनाएंगे, वो देखेंगे कि भाई ये बहुत गलत चीज़ है, अब जब हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो हम अपनी सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ रखते हैं। और वैसा ही हुआ, जब नेहरू पीएम बने तो उन्होंने बहुत सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ अपनाई, काफ़ी सब्सिडी का व्यवस्था रखी क्योंकि देश में एक बड़ी पॉपुलेशन थी जिसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, और नेहरू ने उस तरह की पॉलिसीज़ बनाई। जब इंदिरा गांधी पीएम बनी तो उन्होंने और एक हार्ड लेफ्ट टर्न लिया, उन्होंने कहा सब कुछ नेशनलाइज कर दो, सारी जो कंपनियां हैं वो सरकार के अंडर आनी चाहिए और तमाम सारी चीज़ें, और इसी समय काफ़ी सारी कंपनीज़ का जो नेशनलाइजेशन था वो हुआ था। एयर इंडिया जैसे मैंने आपको बताया 53 के आसपास नेशनलाइज हुई थी, वो पहले हो चुकी थी, और उसके बाद अलग अलग सेक्टर में नेशनलाइजेशन की जो बातचीत थी वो शुरू हो गई। हालांकि ये जो पॉलिसी थी ये बहुत लंबे समय तक देश को सस्टेन करने में असफल दिखाई दे रही थी। समझ में आ रहा था कि भाई अगर आप पूंजी नहीं क्रिएट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, और यहीं से बात शुरू हुई कि एक राइट टर्न लेकर देखा जाए कि क्या हो सकता है अगर हम थोड़ा सा कैपिटलिस्टिक मॉडल को अपनाते हैं। फिर बात हुई कि क्यों ना भारत की मार्केट को खोला जाए, एक बिजनेस सेंट्रिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाए और देखते हैं इसका क्या असर होगा। इसके तमाम सारे असर हुए और उसमें से एक असर था कि भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई और तमाम सारी नौकरियाँ क्रिएट हुई। इसके आगे की कहानी कैसे चली वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको अपने सेगमेंट स्पॉन्सर रीलेवल से मिलवाता हूं। जैसे उस समय नौकरियां क्रिएट हुई थी वैसे आज भी नौकरियां क्रिएट हो रही हैं। दिक्कत ये है कि आपको नौकरियां ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, कई जगह आपकी स्किल होती है उस नौकरी के लिए मगर आपसे कहा जाता है ये वाली डिग्री है तो आओ वरना आपके लिए दरवाजे बंद हैं। रीलेवल इसी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास स्किल है तो आप इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने स्किल के अनुसार यहाँ पर एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और उस स्कोर के जरिए आपको भारत के अंदर बड़े बड़े स्टार्टअप्स में नौकरी पाने की संभावनाएँ खुल जाती हैं। कहते हैं 15 दिन के अंदर अंदर आपकी यहाँ पर नौकरी लगने की भी पॉसिबिलिटी होती है, और यही नहीं यहाँ पर जो नॉन टेक वाले रोल्स हैं
उसके लिए प्रॉमिस करते हैं कि मिनिमम आपको 4 लाख पर एनम की जॉब मिलेगी और जो टेक वाले रोल हैं उसमें आपको मिनिमम 6 लाख पर एनम की जॉब मिलेगी। और ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम आपको 15 लाख पर एनम की जॉब्स तक यहाँ पर मिल सकती है। और अगर आप जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप अपनी अगली जॉब रीलेवल के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी में 50% तक का हाइक हो सकता है। और इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस है उसमें रजिस्ट्रेशन की फीस है 0। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपने एग्जाम में स्कोर अच्छा निकाल लिया तो आपको इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए भी यही लोग सपोर्ट करते हैं। और इस टेस्ट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और मान लीजिए आज आपने टेस्ट दिया, आपको अपना स्कोर अच्छा नहीं लगा, तो 30 दिन बाद आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। और री लेवल के थ्रू कितने लोगों की जॉब लगी, क्या अचीवमेंट्स रहे, इस सब की जानकारी आपको मिल सकती है री लेवल अचीवर्स के ट्विटर पेज पर, जो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो भाई वेट क्या कर रहे हैं, मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जाइए इन्हें थोड़ा हमारी तरफ से प्यार दिखाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन्हें चेकआउट करिए। क्या पता अगला इनका ट्विटर हैंडल पर पोस्ट आपके बारे में हो और आपकी इनके थ्रू जॉब लग जाए। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आप ये सब करिए और हम लौटते हैं अपने वीडियो में वापस। तो जैसा मैं कह रहा था कि मार्केट 1991 में ओपन की गई और कहा गया कि भारत के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है, जिसमें बाहर के जितने भी बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने बिजनेस को ला सकते हैं। और धीरे धीरे भारत के अंदर भी एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई कि भाई प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। याद होगा आपको एयर इंडिया वाले वीडियो में मैंने बताया था कि साल 2003 से लेकर 2007 के बीच में कैसे भारत के अंदर लो कॉस्ट कैरियर बढ़ने लगे थे, कई सारी एयरलाइन की कंपनीज खुल गई थी। और इसी के अलावा बाकी सेक्टर में भी इस तरह का इजाफा हुआ और प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट मिलने लगा। और यहीं से बात ये चली कि कई सारी ऐसी एसेट्स जो कि अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है मगर बुरी तरह से परफॉर्म कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, क्या उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और यहीं से ही इस तरह की चीज़ों के एफर्ट भी शुरू हो गए। साल 2000 में मैंने आपको बताया था कि तब एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात शुरू हुई थी, जो अब जाकर फाइनली प्राइवेटाइज हो पाई है। और इसी दौरान कई सारी और कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन की बात चली थी, उसमें कई सारी अभी सिर्फ बात ही चल रही है। इस लिस्ट में ज़्यादातर वही कंपनीज हैं जो कोई बहुत बड़ा मुनाफा कमा कर सरकार को नहीं दे रही और सरकार के लिए धीरे धीरे एक बर्डन बनती चली गई हैं। मगर इन कंपनी को प्राइवेटाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, मैंने आपको लेफ्ट टर्न की बात बताई, मैंने आपको राइट टर्न की बात बताई। अब इन दोनों के ही नुकसान आप समझ लीजिए। अगर आप हार्डकोर लेफ्ट टर्न लेते हैं और आप कहते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, सारे बिजनेस गवर्नमेंट चलाएगी, सुई से लेकर तलवार तक देश के अंदर गवर्नमेंट को ही बनाना चाहिए और फिर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, सब्सिडी बांटे, गरीबों का ध्यान रखे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि पहली जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि वेल्थ है नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, दूसरी समस्या ये है कि सरकार का कोई स्किन इन द गेम नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है कि बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाना है या इतना प्रॉफिटेबल दिखाना है या इन्वेस्टर्स को जवाब देना है, इसीलिए काम भी सब ढीला ढाला चलता रहता है। तीसरी बात यह है कि भाई एक्सपर्टीज़ कहाँ है, आपने IAS हायर कर लिए, आपने गवर्नमेंट जॉब में कई सारे एम्प्लॉयज़ तो भर लिए मगर बिजनेसमैन तो है नहीं, वो हर एक फील्ड की इन्फॉर्मेशन तो रखते नहीं है, तो वो बिजनेसेस चलाएंगे कैसे। इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखते होंगे कि ज़्यादातर सरकारी बिजनेसेस में घाटा लगना शुरू हो जाता है। और अगली बात यह है कि भाई हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, सरकार बदलती है, उसकी पॉलिसीज़ बदलती है, उसका डायरेक्शन बदलता है, उसके वोट बैंक का हिसाब किताब बदलता है, और इसी वजह से जब भी कोई बिजनेस चलता भी है तो 5 साल बाद उसकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो एक बारी ईस्ट में नाव चली, उसके बाद अगले 5 साल बाद फिर से वो वेस्ट में चलने लगी, तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ऐसे फंस कर बिजनेस ऐसे ही पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। और इन सब के ऊपर इन बिजनेसेस को ओपनली पता होता है कि भाई सरकार रन कंपनी है, अगर डूब भी जाएगी तो पैसा सरकार के पास से आएगा और हमें बचा लेंगे, तो कोई डर नहीं होता है। अब बिजनेसमैन को तो डर होता है ना, इतना कंपटीशन है, इतनी तेजी से आगे बढ़ना है, अगर इतना प्रॉफिट नहीं दिखाए तो इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा, तो वो डर, वो जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो यहां पर मिसिंग होता है। दूसरी बात जो कि राइट टर्न अगर आप लेकर देखें और आप कहें कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ दो, यहाँ पर दिक्कत होती है। ये दिक्कत ये है कि मोनोपोली क्रिएट हो सकती है कि भाई आपने कहने को तो कह दिया कि इकॉनमी ओपन है, ओपन मार्केट है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी बिजनेस खोल सकता है, मगर वो सारे के सारे बिजनेस एक ही कंपनी के अंडर चले जा रहे हैं, एक ही बिजनेसमैन है जो सबको एक्वायर किए जा रहा है, फिर वो अकेला बचता है, फिर वो अपने हिसाब से रेट सेट करेगा, अपने हिसाब से मार्केट चलाएगा, तो फिर वो मोनोपोली की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है विच बिकम्स लाइक टू बिग टू हैंडल, तो वो सिचुएशन ना आ जाए इसका हमेशा खतरा बना रहता है। दूसरी बात यह है कि भाई प्राइवेट कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, उसको पीपल नहीं दिखते, उसको लोगों का ध्यान नहीं रखना है,
तो वो अपने हिसाब से ऐसी पॉलिसी सेट करते हैं जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट बने। मगर सरकार तो ऐसा नहीं कर सकती, सरकार को तो लोगों का भी ध्यान रखना है। तो अगर सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया तो प्रॉफिट मेकिंग मशीनरी तो क्रिएट हो जाएंगी, मगर लोगों का ध्यान रखने वाले जो लोग हैं वो कम पड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सब कुछ प्राइवेटाइज करने की बात करने लगे तो सरकार भी कहती है कि भाई सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, अब हम कहाँ चला पाएंगे। तो जो कंपनियाँ अच्छे से चला भी सकते थे उसमें भी इन्हें एक बहाना मिल जाता है कि नहीं नहीं कोई नहीं, सब कुछ प्राइवेटाइज करना भाई अच्छी चीज़ है। और चौथी दिक्कत ये है कि भाई प्राइवेटाइज करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके देश की बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसी फॉरेन की ताकतें इन्वेस्ट करके बैठी हों जो दूर से ही कंट्रोल करके आपके पूरे देश को हिला सके। भारत के अंदर चलने वाली तमाम सारी कंपनीज में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से लगे हुए हैं, और चाइना किस तरह से उनका डेटा कंट्रोल करता है, किस तरह से उस इन्वेस्टमेंट के जरिए भारत की मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, ये शायद चीज़ें हमें आने वाले फ्यूचर में समझ में आए, मगर अभी हमें उसका अंदेशा पूरी तरह से नहीं है। तो दोनों ही मॉडल के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, और दोनों ही मॉडल्स पूरी तरह से अच्छे नहीं हैं। सवाल यही बनता है कि आखिर कितना दोनों को मिक्स किया जाए, कितना दोनों को रखा जाए, कितनी चीज़ों को प्राइवेटाइज करना है, कितनी चीज़ों को गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट करना है। मेरा मानना यह है कि हर वो सुविधा जो कि लग्जरी है या फिर जहां पर एफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसे प्राइवेटाइज ही करना चाहिए। इससे अकाउंटेबिलिटी आती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब कि अगर कोई ऐसा सामान जो कि आपको लगता है कि देश के अंदर धीमे धीमे बन रहा है और उसको तेज़ी से बनाया जा सकता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेटाइज होनी चाहिए। ऐसी कोई सफ़र के रास्ते जिसमें आपको लगता है कि आपकी गाड़ियां लेट चल रही हैं, समय से नहीं चल रही हैं, मगर लोग पूरा पैसा दे रहे हैं और उसके बाद धक्के खा रहे हैं, वहां पर प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि 100% प्राइवेटाइज कर दो। रेलवे का मामला देखिए, गवर्नमेंट को ट्रेन चलानी चाहिए, जैसे वो अभी चलाती है वैसे ही चलाए, मगर उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्हें जल्दी है और जो अपने पैसे की पूरी सर्विस पाना चाहते हैं, उनके पास एक रास्ता तो खुले, एक ऑप्शन तो मिले कि ये भी इस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। और जब आप ये चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो गवर्नमेंट रन ऑपरेशन है उसकी जवाबदेही भी बढ़ेगी कि आपके सेम ट्रैक पे सेम तरह की ट्रेन से अगर ये जर्नी इतनी टाइमली हो रही है तो भैया आप में इतनी लेट क्यों है, आप ऐसे क्यों देर कर रहे हैं। फिर उनको पास भी एक प्रेशर आएगा, उनके पास भी कंपटीशन आएगा, तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में चीज़ें और इम्प्रूव कर सकती हैं। और यही एक बेसिक आइडिया, बेसिक थॉट, बेसिक होप होती है आप जब कहीं भी प्राइवेटाइजेशन नाम का शब्द सुनते हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और हमारे पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया देखना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा रीलेवल का लिंक भी, तो जाइए उन्हें हमारी तरफ से थोड़ा प्यार दिखाइए, क्या पता आपकी उनके जरिए जॉब लग जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी और वीडियो में इसी तरह के किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।